हेलो दोस्तों, हाउ इज एवरीबॉडी? आई होप यू आर गुड। दिस इज टाइम ब्लॉग, सो आई एम बैक अगेन ऑन माय YouTube चैनल। तमाम ये एक लाइन और कहते ही वैसे ही वेलकम बैक टू द चैनल। एक लाइन हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या बच्चे हो, एक लाइन याद कर लिया। रिपीट दे बात, मुझे क्या बोलना नहीं यार, मैंने आप क्या बोल बोलते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और सोया बिल्कुल रेडी हो गए ना आके नमाज़ के लिए। यहाँ से हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हमने चेक इन तो कर लिया अपने रूम में, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, नेट नहीं चल रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारी वीडियो कैसे अपलोड होंगी। वीडियो अपलोड करने के लिए चलो हम बाहर चले जाएंगे। क्यों सोया? हाँ यार, तो बड़ी प्रॉब्लम नेट की, नेट तो चाहिए अपने को, मेरा नेट भी कम नहीं। चल एंड कर मेरे ब्लॉग का। तो गाइस, हमको लग रही है भूख, लेकिन चाचा का कहना सबसे पहले नमाज, उसके बाद फिर खाना पीना होगा। पढ़ाने की नमाज फिर काम, नमाज तो पहले ही है, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप करेंगे खाने पर। तो गाइस, अब हम नमाज पढ़ने के लिए निकल गए और काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक 1:40 हो गए, तो 2 बजे जमात खड़ी होती है, उसको अब हम जाके अटेंड करने वाले हैं। और सोएब तो बिल्कुल रेडी है, सोएब भाई के पास मास्क नहीं है, मास्क लेना पड़ेगा, ले लेंगे, टोपी भी लेनी पड़ेगी ना। लोग नमाज पढ़ने के लिए चल चलते हैं, लेट हो यार। क्या भीड़ है यहाँ से। सोएब को लेना एक रुमाल, क्योंकि सोएब रुमाल सोएब को चाहिए सिर पर रखने के लिए। कहाँ चलूँ? वाह वाह, बहुत ऊपर है, और बहुत ऊपर है। इधर तो ये बजू करने का है, तो बहुत भीड़ होकर रखी है और नमाज हो गई है, तभी भी अभी भी इतनी भीड़ है। मतलब ये लोग वो हैं जो बाद में नमाज पढ़ने आए हैं जमात निकलने के बाद, हम भी बाद में ही आए हैं। ये है यहाँ का सीन कुछ नमाज पढ़ने के बाद, मतलब नमाज हुई बहुत टाइम हो गया, फिर भी बहुत भीड़ है और कुछ लोग इस तरफ भी नमाज पढ़ रहे हैं। इधर दरगाह है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था, इधर से दरगाह की एंट्री है, इधर लोग जा रहे हैं, इधर आप नमाज पढ़ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत बड़ी अच्छी लग रही है। गाइस, सब नमाज पढ़ ली हम लोगों ने, बहुत भूख लग रही है, जैसे कि आपको बताया था कि नमाज के बाद खाना होगा। खाने की इंतजार कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, ज़्यादा भीड़ होकर रखती है। गाइस, अभी हम चादर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कौन हो लोग भाई? चादर चढ़ाने आए ना, और चादर मेरे पास है हाथ में, और तब लोग ने ले लिया। मतलब बहुत दिन सोने के बाद आए, मतलब तुम यहाँ काफ़ी टाइम बाद आए। एक बार हम नमाज पढ़ टाइम होने वाला है, खत्म नमाज पढ़ने के बाद हम चले गए थे, दोबारा आए। क्या तो न्याज? अरे न्याज की भी नहीं लाया हम लोगों को। यहाँ पर चादर चढ़ाने के बाद हम लोग तेज बोल आ रहे हैं। तो गाइस, हमने चादर चढ़ा दी और चादर मतलब उसमें इतनी भीड़ है कि मतलब आपको 5-10 सेकंड मिलते हैं उसके अंदर रुकने के लिए। इसी के अंदर आपको चादर भी चढ़ा दी, दुआ भी बांधनी है और कलावा भी बांधना है, काफ़ी सारी चीज़ करनी होती है, इतनी खास। तो वही ध्यान रखें, बाकी मौसम बहुत बढ़िया है और जो रौनक है, जो फील है यहाँ पर, वो भी बहुत बढ़िया आ रही है। और अभी कल का जो टारगेट रहेगा वो वहाँ का रहेगा, तो वहाँ का रहेगा, वहाँ पर चढ़ना है। तारागढ़, हाँ तारागढ़ की चढ़ाई वगैरह नाम से बोला जाता है। कल का ब्लॉग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम नमाज पढ़ के गए थे, उसके बाद हम चादर चढ़ाने आए, तो हमने चादर चढ़ा दी है। हाँ, चौथा गेट एक ही तरह, चौथा गेट ही यहाँ। अभी हम दरगाह के चौथे गेट पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है पानी वगैरह हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है इधर कुछ पीछे, मतलब भीड़ बहुत है। मतलब अगर यहाँ पर टूर्स वगैरह में आएंगे तो उसमें आओगे तो आप आई नहीं है कि हम तो यहाँ तक आई नहीं पहुँच जाते हैं, खड़े आते हैं, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर
आ ही नहीं सकते, इसलिए आप अगर मतलब नॉर्मल आ जाओगे तब आप यहाँ तक आ सकते हो। उसमें आओगे तो यहाँ तो आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हम जो चारक के अंदर से आए हैं, अंदर में चारक चढ़ाई अभी नहीं कर सकती। चलते हैं ना, तो गाइस यहाँ पर हो रही है कव्वाली, लेडीज वगैरह साइड में बैठी हुई हैं और जेंट्स जो हैं वो इस साइड में बैठे हुए हैं, इस साइड दरगाह जो है वो इस साइड है, ऊपर का वो आपको टॉप दिख रहा है दरगाह का, और दरगाह का मेन गेट जो है जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ से एंट्री हो रही है, बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत अभी जो हम आए हैं तो कम थी, बहुत ज़्यादा हुई, हाँ बहुत भीड़ है यहाँ। बाकी आगे भाई आगे जाते हुए और इधर हमने सुबह नमाज दोपहर में नमाज पढ़ी थी जुमा की, और ये दरगाह का एक गेट और है इधर से। ये है वो देग जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा सुना होगा, बट दिखाते हम पहली बार यहाँ, वही है ना डालने वाली है जनाब। ऐसे खुले हैं तो खुले नहीं करा रखे घर पे यार, दो सौ रुपये मेरे पास ये दिखाई गई शायद पहले, उसमें दिखाने पहले दिखाते थे इसको भी, मतलब इसके अंदर लोग सब कुछ डाल के जाते हैं जो जिसका मन हो, रुपए खाने पीने का सामान चावल सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर, सब लोग इसके अंदर डाल के जाते हैं। और बाकी जो व्यू है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हाँ।